अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ाहद सईद फ्रॉम टाइम्स इंस्टीट्यूट। वेलकम टू द कैलकुलस 2। स्टूडेंट, आज हम टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। इससे पहले स्टूडेंट, हम लोगों ने सिंपल एलिमेंट्री फंक्शंस के इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना सीखा और उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व किया था। स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब हमारे पास कोई से दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हों और हमारे पास जो रूल्स थे कि फर्स्ट फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो फंक्शन की पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड वाला जो रूल था वो एप्लीकेबल ना हो, यानी कि हम वो अप्लाई ना कर सकते हों या हम उससे ना बना सकते हों वो रूल, तो फिर स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो उसको हम कहेंगे बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। स्टूडेंट, जब भी हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे तो हम बाय पार्ट्स का यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो इंटीग्रेशन के जो रूल था फर्स्ट फंक्शन और उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो वो रूल अप्लाई ना होता हो तो। स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, व्हेन टू फंक्शंस आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म देन वी यूज़ बाय पार्ट्स। अब स्टूडेंट, बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है उसको ज़रा देखिए। लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन वन है और एक फंक्शन टू है। तो फंक्शन वन, एफ एन स्टैंड्स फॉर फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट फंक्शन की, फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का एंड माइनस। अब यही जो सेकंड फंक्शन था स्टूडेंट हमारे पास, आपने उसको यहाँ पर लेकर दोबारा उसका इंटीग्रेट ले लेना है। मैंने यहाँ लिखा इंटीग्रेटेड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का माइनस अगेन इंटीग्रेशन लेना है इस इंटीग्रेटेड फंक्शन का और डेरिवेटिव हमने लेना है फर्स्ट फंक्शन का और हमने लास्ट में डी एक्स लिखना है। सपोज स्टूडेंट हमारे पास एफ एंड जी आर टू डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो उसका जो बाय पार्ट्स का फार्मूला स्टूडेंट यूज़ होगा, फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का माइनस, फिर स्टूडेंट इंटीग्रेशन का साइन, अगेन ये जो इंटीग्रेटेड फंक्शन जो आपने आंसर निकाल कर रखा होगा वो यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पुट होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड फंक्शन एंड डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डी एक्स। स्टूडेंट बात क्लियर हुई? चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन हो और उसका आगे डेरिवेटिव हो, क्या ऐसा आपको नज़र आ रहा है? बिकॉज कॉस का अगर हम लेट्स सपोज फर्स्ट फंक्शन माने और इसको सेकंड फंक्शन माने तो कॉस का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस साइन है, जो कि आपको नहीं नज़र आ रहा। और इसी तरह अगर आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं तो इसका आगे डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होना चाहिए था? वन होना चाहिए था, तो वो भी ऐसा नहीं है। तो अब हम यहाँ पर वो रूल अप्लाई, इंटीग्रेशन का जो रूल था वो हम यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ बाय पार्ट्स का यूज स्टूडेंट करेंगे हम, यूजिंग बाय पार्ट्स। अब स्टूडेंट बाय पार्ट्स यूज़ करते हुए हमें ये देखना है नॉर्मली कि आपको फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आता हो। बिकॉज आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को जैसे मैंने सेम एडिजिस किया और लास्ट में उसी का ही हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि आप इसकी अरेंजमेंट को खुद से आगे पीछे कर सकते हैं बिकॉज ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। हमने ये देखना है कि हमारे पास जो फार्मूला है कि जिसका हम फर्स्ट फंक्शन लें तो उसका हमें डेरिवेटिव भी मालूम हो और जिसको हम सेकंड फंक्शन का नाम दें, बिकॉज सेकंड फंक्शन का यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है। एफ एंड जी आर टू डिफरेंट फंक्शन, दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन भी स्टूडेंट हमें मालूम हो। ये दोनों एट अ टाइम हमें देखना होगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम फर्दर आगे देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। फर्स्ट प्रियोरिटी स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ऐसा हो जिसका हम डेरिवेटिव जानते हों और सेकंड फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। तो आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव भी जानते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन भी जानते हैं, और जब दोनों के, अब बात यह कि यहाँ पर मैं इसका डेरिवेटिव भी जानता हूँ और इसका इंटीग्रेशन भी जानता हूँ,
मैंने मतलब मुझे दोनों के डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन मालूम है, बट मैं ये क्या कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट में एक्स को रखिए जिसका हम डेरिवेटिव जानते हैं। उसकी रीज़न स्टूडेंट ये है कि एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आगे वन होता है, और जबकि हम कोस का, लेट्स सपोज मैं इसको फर्स्ट फंक्शन कहता हूँ, जब हम कोस का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो माइनस साइन हो जाएगा, जो कि कम नहीं हो रहा, रिड्यूस नहीं हो रहा। तो हमने ऐसी अरेंजमेंट रखनी है कि हमारा जो इंटीग्रेशन का ये जो बाय पार्ट्स का जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो सके, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन से कोस, कोस से टैन में आ जाएंगे डेरिवेटिव लेने से या इंटीग्रेशन लेने से। तो हमें फर्स्ट फंक्शन, इस प्रायोरिटी में हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन वो पॉलीनोमियल फंक्शन को रखना है कि जिसका हम डेरिवेटिव क्लोज की तरफ जाते हैं, क्लोजअप की तरफ जाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट टू एक्स, अगेन अगर उसका टू एक्स का डेरिवेटिव लें तो आप टू हो जाएगा, वेरिएबल ख़त्म होता जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट हमने इस केस में एक्स को लिया और सेकेंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिया। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इट्सेल्फ, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का माइनस, फिर ये इंटीग्रेशन का स्टूडेंट साइन, और इसका जो आंसर मींस मैं इसी को उठाकर दोबारा एक बार पुट कर रहा हूँ, ये इस तरह से क्लियर हुआ। फर्स्ट फंक्शन इट्सेल्फ, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का माइनस, फिर यही इंटीग्रेटेड फंक्शन, इंटीग्रेटेड फंक्शन स्टूडेंट ये रहा हमारे पास, ये यहाँ पुट हो जाएगा, और डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का जो कि एक्स है, और लास्ट में हमने डी एक्स का साइन देना है, ये इस इंटीग्रल का ये साइन आ गया डी एक्स। देखिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, एक्स कॉस का स्टूडेंट इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, पहले आप इसका लीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होगा, साइन एक्स, एंड एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वन हुआ, डी एक्स हुआ, क्लियर। इसी तरह स्टूडेंट एक्स साइन एक्स माइनस, जिस स्टूडेंट साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स एंड प्लस सी, यहाँ आपका जब इंटीग्रेशन ख़त्म होगा लास्ट में तो आपने सी जो ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको लिखना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फर्स्ट का नाम देता और इसको सेकंड का नाम देता, तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर हमारा गलत आता, बट आपने ये डिसाइड करना है कि ऐसा फंक्शन जिसका फर्स्ट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव मालूम हो और वो ख़त्म होता, जैसे लाइक पॉलीनोमियल फंक्शन, सिर्फ स्टूडेंट पॉलीनोमियल फंक्शन ही ऐसी अरेंजमेंट में आएंगे कि जिनका डेरिवेटिव हम लास्ट पे लेते हैं, बिकॉज फर्स्ट फंक्शन का एंड में डेरिवेटिव लेना है, तो वो क्लोज होते जाएंगे। एक्सपोनेंशियल के साथ स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक का कंपेयर हम देखेंगे, एक्सपोनेंशियल के साथ हम पॉलीनोमियल के साथ हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देखेंगे, और एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट लॉगरिथमेटिक फंक्शन भी प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद होगा। तो हमने ये डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन हैं फंक्शंस के उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में देखना है, और हमने ये देखना है कि इनकी जो बाय पार्ट्स की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से सेट की जाए। तो ये टाइप नंबर वन था स्टूडेंट हमारे पास, कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन पॉलीनोमियल है और सेकंड फंक्शन जो भी है अदर फंक्शन है और उसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, तो आपने फर्स्ट को यही रखना है, आपने अरेंजमेंट को चेंज नहीं करना, क्लियर जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं, इंटीग्रेशन एक्स ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। जी स्टूडेंट आप यहाँ अगेन देख सकते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट इज पॉलीनोमियल फंक्शन एंड अनदर इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगेन देखें हमारे पास वो रूल नहीं रहा जो हमने इंटीग्रेशन में कहा था कि फंक्शन और उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में एक ऐड उसी पर डिवाइड, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास अगेन दो फंक्शन है प्रोडक्ट की फॉर्म में, आप देखें कि फर्स्ट फंक्शन पॉलीनोमियल है और सेकंड फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल है, और फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव भी जानते हैं और सेकंड फंक्शन का आप इंटीग्रेशन लेना भी जानते हैं। तो अगेन हम इसकी अरेंजमेंट को चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट इट्सेल्फ, अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ स्टूडेंट इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड फंक्शन दरमियान में आ गया और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एंड डी एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स
माइनस स्टूडेंट ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम एज इट इज़ हुआ और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वन हुआ प्लस सी, तो हमारा फाइनल आंसर बना ई एक्स ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री हमें गिवन है इंटीग्रेशन एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, जी स्टूडेंट पॉलिनोमियल फंक्शन और हमारे पास अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया। स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे और सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे, ये देखते हुए कि क्या हम सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन भी जानते हैं, बिकॉज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो हमें मालूम है क्योंकि इसी ने लास्ट पर आकर डेरिवेटिव बनना है, बिकॉज फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ और उसी फर्स्ट फंक्शन का लास्ट में हमने डेरिवेटिव लेना होता है। एक्स का डेरिवेटिव तो स्टूडेंट हमें मालूम है लास्ट पर वन होगा, और क्या टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी हमें मालूम है? सोचिए। जी नहीं स्टूडेंट, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है, बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैं इसको देखिए इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी ऑफ एक्स, बिकॉज हम जानते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट वन हुआ करता है, और हमें चाहिए टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो ये देखिए हमें टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन मिला। नेक्स्ट स्टूडेंट हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स डॉट सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स एंड डी ऑफ एक्स, स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो गया, इसको सेपरेशन की फॉर्म में लिखते हैं, एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स एंड डी एक्स। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ अगेन हमारे पास दो फंक्शंस आए, फर्स्ट इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड अनदर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और अब हम सेकंड फंक्शन जो कि सीकेंड स्क्वायर एक्स है इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट हुआ करता है टेन एक्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ अगेन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ स्टूडेंट इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन मैंने ले लिया माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, तो इंटीग्रेटेड फंक्शन एंड डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन डी एक्स, ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट हुआ, ये यहां से यहां तक माइनस। अब यहां देखिए इस x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्स स्क्वायर बाय टू पावर में एक ऐड उसी पर डिवाइड। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप इसका क्या बनेगा, x टेन x माइनस माइनस, जी स्टूडेंट टेन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए मैं टेन x को इस तरह से लिख सकता हूँ साइन x ओवर कोज x, x का स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हुआ वन डी एक्स, और यहाँ यहाँ हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू आ चुका है। जी स्टूडेंट अब इंटीग्रेशन में देखिए नीचे फंक्शन और उसको ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, हमने वैसे तो डायरेक्ट इसका फार्मूला भी पढ़ा था, तो देखिए कोस फंक्शन है और उसको ऊपर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए स्टूडेंट, माइनस साइन होना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ एक्स टेन एक्स माइनस को स्टूडेंट बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ और माइनस को अंदर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा वापस, तो माइनस को यहाँ जब मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट ये बना प्लस, और माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया और उसको हमने ऊपर की तरफ लिखा डी एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। जी स्टूडेंट अब देखें नीचे फंक्शन और उसका ऊपर डायरी में मौजूद है, तो लॉग ऑफ एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉज एक्स लॉग ऑफ कॉज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी।
स्टूडेंट मैं यहाँ क्लियर करके लिख देता हूँ, x tan x प्लस log ऑफ cos x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट? डायरेक्ट हम लिख सकते हैं tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ cos x, बिकॉज नीचे फंक्शन और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं था बट हमने माइनस का यूज किया। क्लियर हुआ? ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में x5 log of x dx। स्टूडेंट हमारे पास अब दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन पॉलिनोमियल है और सेकंड फंक्शन हमारे पास लॉगरिथमेटिक फंक्शन है। जी स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन देखिए, इसका हम डेरिवेटिव जानते हैं जबकि सेकंड फंक्शन है इसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, बिकॉज ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव हुआ करता था 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन हुआ करता था लॉग एक्स। तो अब बेसिकली हमारे पास लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हुआ करता है। तो अब हम क्या करें स्टूडेंट, हमारे पास अब यहाँ पर जो चॉइस है वो चेंज हो जाएगी बिकॉज मैं इसे कुछ और कन्वर्ट भी नहीं कर सकता बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है। तो मैं इसको फर्स्ट का नाम दूंगा और इसको सेकेंड का नाम दूंगा और इसको रीअरेंज करके लिखूंगा लॉग ऑफ एक्स एक्स की पावर 5। जी स्टूडेंट, अब यहाँ देखें, आप इसका डेरिवेटिव फर्स्ट का जानते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और इसी तरह से x की पावर 5 का इंटीग्रेशन लेना भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट इटसेल्फ, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन का साइन और इंटीग्रेटेड फंक्शन आ गया यहाँ पर, और डेरिवेटिव लेना है d/dx डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का और ये dx। क्लियर हुआ स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टूडेंट, log ऑफ x x 6/6। स्टूडेंट ये कांस्टेंट है यानी कि कोफिशेंट हुआ 1/x 6, ये बाहर हुआ इंटीग्रेशन एक्स सिक्स। जी स्टूडेंट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x एंड dx। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, हम इसको इस तरफ लिख लेंगे x6/6 log ऑफ x माइनस 1/6 और ये यहाँ से एक स्टूडेंट कैंसिल हुआ इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 5 dx। क्लियर हुआ स्टूडेंट? x6/6 log ऑफ x माइनस 1/6 पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड स्टूडेंट, इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ x6/6 प्लस c। फाइनल आंसर स्टूडेंट हमें मिला x6/6 log ऑफ x माइनस x6/36 प्लस c, एंड दिस इज आवर। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस x² प्लस 1 एंड d/x। स्टूडेंट यहाँ देखिए, ये log x है तो log x का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं होता। तो अब ये एक ही फंक्शन गिवन है और इसका इंटीग्रेशन भी मालूम नहीं है, और जबकि हमें इसका इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक हमें नई बात सामने आई कि अगर एक फंक्शन मौजूद है और उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है और उसका इंटीग्रेशन हमें मालूम भी नहीं है, तो भी हम बाय पार्ट्स का यूज़ करके उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह स्टूडेंट देखते हैं, स्टूडेंट क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, डॉट 1, बात समझ में आ रही है?
अब स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हुआ। बिकॉज लोग एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं और वन का इंटीग्रेशन लेना भी हम जानते हैं। चलते हैं स्टूडेंट, बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इट्सेल्फ, फर्स्ट फंक्शन इट्सेल्फ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, आगे इंटीग्रेटेड फंक्शन आ गया और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन ये रहा स्टूडेंट हमारे पास डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट ब्रैकेट क्लोज x माइनस इंटीग्रेशन। जी स्टूडेंट x सेम एज इट इज रखा अभी, लोग x का डेरिवेटिव क्या हुआ स्टूडेंट, वन अपॉन x, तो ये रहा वन अपॉन x। और स्टूडेंट इस x का अगेन आगे डेरिवेटिव लेना है, तो x का अगेन डेरिवेटिव वन प्लस पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम और डेरिवेटिव इनर पार्ट, इनर पार्ट इज 2x dx। स्टूडेंट बात समझ में आई, हमने क्या किया एक्चुअल में, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, इस x का स्टूडेंट आगे अगेन डेरिवेटिव लेना था, तो x का अगेन डेरिवेटिव में 1, x का क्या हुआ 1 और ये 1 बाई 2 है, पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव इनर पार्ट, इनर पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हुआ और प्लस वन का डेरिवेटिव क्या हुआ स्टूडेंट, जीरो हुआ। तो यहाँ से आप देखिए कि कैंसिलेशन हो गया, यहाँ 2-2 से एलिमिनेट हुआ, मैं इसको ज़रा बड़ा लिख दूँ। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम यहाँ लिखते हैं log of x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट x माइनस इंटीग्रेशन x ओवर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन प्लस स्टूडेंट ये हमें मिला x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप देख सकते हैं कि पावर माइनस वन अपॉन टू थी, तो स्टूडेंट ये नीचे की तरफ आया तो पॉजिटिव हुआ, और यहाँ ये x मल्टीप्लाई की फॉर्म में था तो ये हमने x लिखा और d ऑफ x। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास स्टेप रहेगा, आप इसको पहले लिख दीजिए x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस x ओवर x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। और यहाँ देखिए स्टूडेंट एलसीएम बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये इंटू प्रोडक्ट फॉर्म है, तो ये यहाँ से कैंसिल हुआ, तो हमें मिला x log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन डी ऑफ x। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, जी स्टूडेंट मैं इसको देखिए एक एडजस्टमेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या स्टूडेंट मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस वन बाय टू डॉट एक्स डी एक्स, क्लियर। जी स्टूडेंट ज़रा देखिए, अगर मैं पावर को छोड़कर देखूं, लेट्स सपोज ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद होगा, क्या होगा 2x होगा, तो यहाँ देखिए x तो मौजूद है बट 2 नहीं है, तो मैं इसको बना सकता हूँ x प्लस स्क्वायर प्लस वन माइनस
जी स्टूडेंट, मैं 2 से डिवाइड कर दूं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई हर्ज तो नहीं रहेगा ना। अब आप देख सकते हैं 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, बेसिकली कटिंग करें तो वो प्रीवियस कंडीशन में आता है, बट एक्चुअल में हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो फंक्शन पावर को छोड़कर देखिए, पावर को छोड़कर देखिए कि यहाँ हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है। तो फंक्शन की पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी पर डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट लास्ट हमारा स्टेप है एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो फंक्शन की पावर में एक ऐड, उसी पे डिवाइड। स्टूडेंट हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे y प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस c। और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऊपर लेके जाइए, वो 2 अपॉन 1 हो जाएगा और 2 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं से रेज कर रहा हूँ, x log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट प्लस सी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। जी स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर ए इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स। स्टूडेंट यहां पर ए कोफिशियंट है, इसको बाहर ले जाते हैं। अब देखिए दो फंक्शंस हैं, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फर्स्ट का डेरिवेटिव जानते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन लेना भी जानते हैं। तो यूजिंग बाय पार्ट्स ए स्टूडेंट सेम एज इट इज, आप स्क्वायर ब्रैकेट डालिए बिकॉज ए कंप्लीट हमारे पास यहाँ मल्टीपल है इन फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट इटसेल्फ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय ए माइनस इंटीग्रेशन का साइन और ये इंटीग्रेटेड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट फर्स्ट फंक्शन और ये डी एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, पहले आप ये ऐसा कीजिए कि इस ए को मल्टीप्लाई कीजिए, ए एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ देखिए तो स्टूडेंट माइनस ए और ये वाला स्टूडेंट माइनस ए बाहर आ गया, ये माइनस ए और ये प्लस का ए बाहर आ गया और हमें मिला e रेज टू द पावर ए एक्स डॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ स्टूडेंट इसका हमने डेरिवेटिव लेना भूल गए हैं, ये 2x dx। क्लियर हुआ जी स्टूडेंट? ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स माइनस, स्टूडेंट 2 को बाहर ले जाएं और इंटीग्रेशन x डॉट ई रेज टू द पावर x लिखा। स्टूडेंट मैंने ये क्यों किया, मैंने आप देख सकते हैं कि x सेकंड नंबर पे था लेकिन फिर भी मैंने इसको फर्स्ट नंबर पर लेकर आया, बिकॉज आप क्वेश्चन की अरेंजमेंट को देखिए, पॉलिनोमियल हमारे पास फर्स्ट में आपने लिया था और एक्सपोनेंशियल आपने सेकंड फॉर्म में लिया था, तो हम आगे भी इसी तरह से करेंगे। और आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ये पावर 2 थी, अब यहाँ एक बार बाय पार्ट्स लेने से पावर 1 हो चुकी है, इट मीन्स अगेन हमें यहाँ पर बाय पार्ट्स का यूज़ करना है ताकि एक्स को एलिमिनेट किया जा सके। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो रिड्यूस होता जाएगा। तो यहाँ यूजिंग अगेन बाय पार्ट्स, स्टूडेंट अगेन बाय पार्ट्स का अगर यूज हम कर रहे हैं तो देखें आगे क्या बनेगा। एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर ए एक्स माइनस 2, स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस
इंटीग्रेटेड फंक्शन और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें मिला एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर ए एक्स माइनस माइनस टू एक्स बाय ए ई रेज टू द पावर ए एक्स माइनस इनटू माइनस स्टूडेंट प्लस टू मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ से ए बाय की फॉर्म में था वो बाहर आया और इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर ए एक्स और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्टूडेंट वन हुआ। क्लियर जी स्टूडेंट? फाइनल स्टेप हमारा 2x e raised to the power ax by a plus 2 by a or e raised to the power ax divided by a plus c. x square e raised to the power ax minus 2x e raised to the power ax by a plus 2 e raised to the power ax divided by a square plus c. जी स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हुई बात? यहाँ इस क्वेश्चन में हमने दो बार बाय पार्ट्स का यूज़ किया। लेट्स सपोज यहाँ स्टूडेंट अगर x रेज टू द पावर 3 होता तो 3 होने के बाद इसमें क्या होना था, इस स्टेज पर x स्क्वायर होना था, फिर उसके बाद अगेन हम उसका बाय पार्ट्स यूज़ करते, फिर वो x होता और फिर अगेन बाय पार्ट्स यूज़ करते और वो वहाँ से x एलिमिनेट हो जाता। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर बाय पार्ट्स का जो था आसान था और आप लोगों को समझ आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन पर दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।